हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो एटम्स का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके पहले एटम्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसी के ऊपर बेस्ड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड साहब के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी जिनको इम्प्रूव किया नील बोहर ने और दे दिया अपना बोहर एटॉमिक मॉडल। अब ये टॉपिक आपके बोर्ड के लिए, आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसके अंदर आपको कुछ बोहर के पोस्टुलेट मिलेंगे, कुछ डेरिवेशंस मिलेंगी, कुछ फॉर्मूले मिलेंगे और लास्ट में इस मॉडल के भी ड्रॉबैक मिलेंगे। तो हम इन डिटेल और बहुत आसानी से ये टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। जहां शॉर्टकट होगा वहां शॉर्टकट भी बताएंगे। आपको मजा आ जाएगा इस लेक्चर में, पूरा फील मिलेगा इस टॉपिक का। आपका काम इतना है कि जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगाओ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब मैं शुरुआत करूंगा कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी जिनको इन्होंने इंप्रूव किया। इनका मॉडल पूरा रदरफोर्ड के मॉडल पे ही बेस्ड है, तो हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको वो सब चीजें पता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, फील आएगा बढ़िया। तो हम जा रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पे। सन 1911 रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते थे, पहली बार किसी ने न्यूक्लियस की बात की थी। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से स्पेस न्यूक्लियस में है। एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से स्पेस न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस का जो साइज इन्होंने बताया वो करीब 10^-15 मीटर के आसपास। सारा पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहे हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और जो एटम का साइज है, जो एटम का साइज है वो करीब 10^-10 मीटर के आसपास है। यानी न्यूक्लियस एटम से 10^5 टाइम्स छोटा है, 1,00,000 गुना। न्यूक्लियस इतना बड़ा, एटम इतना बड़ा, न्यूक्लियस इतना, एटम इतना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यही था इनका मॉडल। अब इसमें दो बड़ी कमियां क्या निकली? तो पहला ड्रॉबैक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैं कह रहा हूं अगर ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है तो आगे बढ़ो बोहर एटॉमिक मॉडल पे। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए, क्यों, कैसे? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल मतलब जो सदियों से चली आती जा रही है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक थ्योरी थी दैट एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। क्या लिख देते हैं? एन एक्सेलरेटेड, जिसके पास एक्सेलरेशन हो, चार्ज्ड पार्टिकल, जिसके पास चार्ज हो, इमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एनर्जी, ठीक है। ये थ्योरी मतलब सक्सेसफुल है, पता है सबको, एग्जिस्ट करती है, मैक्सवेल की दी हुई है, ठीक है। अब ये थ्योरी उठा के लगाई गई एटम पे, तो रदरफोर्ड साहब से कहा गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने कहा हाँ, तो भैया इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, है कि नहीं? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज है मतलब एक्सेलरेशन है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज तो था ही भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है सबको पता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड भी है। अरे यार, सर्कुलर मोशन में होता है ना कौन सा एक्सेलरेशन, बोलो थोड़ा तेज चलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये सब पुरानी चीजें हैं, सेंट्रीपिटल ऐसे, ये तो पढ़ा ही होगा क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो उसके पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड भी है, यानी इस पे ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्योरम लगने चाहिए, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता हुआ
एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन या एनर्जी इमिट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती जाएगी और उसी समय पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स लगा के खींच रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा ही होता है, तो खींच लेगा उसको अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो रही है, अरे कैसे कैसे घूमे भाई, और न्यूक्लियस अलग से खींच रहा है, खींचते 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 खींच धूम, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल ऐसे गोल जूम 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 धा जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है ना, एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर ये मानी जाए सारी बातें तो इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस एंड एटम वोंट एग्जिस्ट, और साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की और बोला ये सब होने में लगेगा 10^-8 सेकेंड, दिस विल हैपन इन 10^-8 सेकेंड। अरे यार 10^-8 सेकेंड इतना छोटा टाइम, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी उसके पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इमिट रेडिएशन एंड एनर्जी। अब इसकी एनर्जी कम होती जा रही है और न्यूक्लियस इसको अलग खींचा जा रहा है, कि जिसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है कोई खींच भी रहा है अंदर, तो धीमे 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 करता हुआ बुम, और ऐसा होने में लगेगा 10^-8 सेकेंड, यानी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट एटम तो एग्जिस्ट करता है ना भाई, तभी तो हम और आप है, तभी तो ये वीडियो चल रहा। तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नील बोहर, इसके ऊपर लगा देंगे एक पैच, पैच समझते हो, ऐसे बैंडेड लगा देंगे, खेल खत्म करेंगे कैसे अभी देखते हैं। ये पहली प्रॉब्लम थी, नोट कर लो अगर नोट नहीं किया है पॉज करके, जो बच्चे नोट्स ना बनाना चाहे वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट में मैं लिंक उसका दे दूंगा, छाप लिया ठीक है। गलती कर दी रदरफोर्ड ने सर, धोखा दे दिया, धोखा तो तुमको उसने दिया है जिसको तुम अभी भी याद कर रहे हो। मिटा रहे मिटा रहे, दूसरी गलती समझे, गलती की है रदरफोर्ड साहब ने, धोखा नहीं दिया है ठीक है, इतना कुछ बताया अभी तो वो क्यों भूल गए। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इनके मॉडल के साथ, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या कहानी है, हमने देखा कि अगर गैस के एटम्स को अगर गैस के एटम्स को हम हीट करें, कैसे हीट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट विद इलेक्ट्रिक करंट, इसको हीट कर दिया हमने, आर्क लगा दी, इलेक्ट्रिक आर्क, हीट हो गया, तो देखा गया कि गैस के एटम्स में से रेडिएशंस निकल रहे हैं, क्या देखा गया, इमिट्स रेडिएशन, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इमिट्स रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफ एक मिनट ऑफ वेरी सॉरी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, समझो समझो समझो, हमारे पास यहां गैस के एटम्स हैं झोला भर के, उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करेंट ऐसे हीट किया, तो उसमें से रेडिएशंस निकली, मतलब वेव्स निकली, पर जो वेव्स निकली उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही है, उसमें हर तरह की वेवलेंथ नहीं है। जैसे मान लो इन वेव का हमने स्पेक्ट्रम बनाया, इन वेव का हमने मान लो स्पेक्ट्रम बनाया, ऐसे स्पेक्ट्रम बनाया, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वेव दिखाई पड़ रही हैं, बाकी गायब है। उसमें हमने देखा कि हमें 4000 एंगस्ट्रॉन्ग वाली वेव दिखी, उसके बाद सीधा 4300 एंगस्ट्रॉन्ग वाली वेव दिखी, बीच की सारी वेव गायब, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट
स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट मतलब पर्टिकुलर, एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में सब होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में सारी वेव होती, डिस्क्रीट में कुछ होंगी कुछ गायब। 4300 के बाद मान लो अगली वेव जो दिख रही वो हमको दिख रही 4400। अच्छा कोई ऐसा फिक्स्ड रूल भी नहीं है कि 100 का गैप होगा 200 का गैप होगा, ठीक है। रूल जो है वो अगले वीडियो में समझ में आएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। अभी कम समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझो, नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी को एक्सप्लेन करेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि गैस के एटम्स को झोला भर के गैस के एटम पे ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज लगाया, हीट किया, उससे हीट करके रेडिएशंस निकले, हम कहे बहुत बढ़िया। और इसको बोर्ड पे देखते हैं कैसी दिख रही है, देखा तो उसमें वायलेट कलर है, ग्रीन कलर है, बाकी कलर गायब है। ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कलर से समझो, वायलेट कलर की रेडिएशन है, ग्रीन कलर की है, बाकी सब गायब, डिस्क्रीट। इमिट्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं इमिजन स्पेक्ट्रम। इमिजन क्यों, क्योंकि इमिट हुआ ना हीट करने पे। और सही नाम बोले तो बोलेंगे डिस्क्रीट इमिजन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से चलो तो कंटिन्यूअस बनना चाहिए, सारी आनी चाहिए थी, वो अभी इस लेक्चर के लास्ट में थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में। बट ये बात रदरफोर्ड समझा नहीं पाए इन शॉर्ट कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ वेव दिख रही है कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहां से मैं वेवलेंथ हटा दूं, दिमाग में ऐसे इमेजिन करो कि वायलेट कलर दिखा, येलो कलर दिखा, बाकी सारे कलर गायब थे। इस जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, यहां लिखी सारी चीजें काल्पनिक हैं, इनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। सर क्राइम पेट्रोल मारा चूहे, इसी ने है, चूहे ने मारा है, वो बात नहीं है। मतलब कुछ पर्टिकुलर कलर दिख रहे थे और कुछ कलर गायब थे, अगर विजिबल में देखो। वैसे तो कुछ भी वेवलेंथ हो सकता हो, माइक्रोवेव रीजन में हो, इंफ्रारेड रीजन में हो, अल्ट्रावायलेट में हो, इनविजिबल हो, समझ में आया। कुछ वेवलेंथ थी कुछ गायब थी, बीच में 4001, 4002, 4002.2, 4002.22, मतलब कितनी रेडिएशंस गायब हो गई। एक ये प्रॉब्लम, दूसरा क्या है जरा सुनो, इन्हीं गैस के एटम्स में से अगर हम वाइट लाइट पास करें, वाइट लाइट इज पास्ड, अब हीट वीट नहीं कर रहा है, ठीक है, वही झोला लिया गैस एटम्स का, कोई भी गैस ले ली, कोई भी गैस ले ली, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी झोला लिया और उसमें से वाइट लाइट पास की। अच्छा एक चीज और सुनो, हर गैस का अपना डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। जैसे मान लो हाइड्रोजन, मान लो बार बार मान लो वर्ड बोल रहे हैं कुछ पर्टिकुलर, मान लो हाइड्रोजन को डालने पे वायलेट येलो दिख रहा है, हीलियम को डालने पे ग्रीन और इंडिगो दिखने लगे। सबका अपना एक, जैसे क्या कह सकते हो उसको, ट्रेडमार्क है, सबके ऊपर भगवान ठप्पा लगा के भेजें कि तुम ऐसा स्पेक्ट्रम, तुम ऐसा स्पेक्ट्रम, तुम ऐसा स्पेक्ट्रम। प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस थी ये, जैसे हर इंसान की शक्ल अलग अलग होती, वैसे ही सबका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम एकदम यूनिक था, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरी चीज देखो, अगर इसी गैस एटम से वाइट लाइट पास कर दे, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जब पास हुई तो देखा गया जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो बाहर आई लाइट, इज मिसिंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ येलो। अब क्या हुआ, जब व्हाइट लाइट को हमने पास किया गैस एटम से, अब हीट वीट नहीं किया है, सिर्फ गैस एटम है झोले में, उसमें से व्हाइट लाइट पास हुई। अब झोले में नहीं होते हैं, वैक्यूम चैम्बर में होते हैं, झोले में रखेंगे, झोले में रखा, व्हाइट लाइट पास की, तो जब व्हाइट लाइट पास होकर बाहर आई, उसका हमने एक स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम बनाया कि व्हाइट लाइट भेजी, तो व्हाइट लाइट में क्या होता है यार, व्हाइट लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब होता है। जब हमने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो देखा इसमें से कुछ वेवलेंथ गायब हो गई, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ गायब थी। और कमाल की बात यह है कि मान लो किसी गैस के इमिजन स्पेक्ट्रम में वायलेट येलो दिखाई पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं, तो उसके इस स्पेक्ट्रम में वायलेट येलो दिखाई नहीं पड़ेगा, बाकी सब दिखाई पड़ेगा, ये गायब, ये गायब, मिसिंग। यहां बाकी सारे कलर ग्रीन, रेड, इंडिगो सब दिख रहे हैं, जो यहां पे नहीं दिख रहे थे वो यहां दिखने लगेंगे। नहीं आया, फिर से गैस के एटम लिए, उसको हीट किया, हीट किया, उसमें से रेडिएशंस निकली, रेडिएशंस देखा कुछ ही कलर हैं, बाकी कलर गायब, कुछ ही वेवलेंथ हैं, बाकी वेवलेंथ गायब। जैसे मान लो वायलेट येलो दिख रही, बाकी गायब। फिर हमने क्या किया,
उसी गैस के एटम में से वाइट लाइट पास की, फिर देखा कि वाइट लाइट जब बाहर आई तो उसमें से कुछ कलर गायब हो गए, इज मिसिंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, और वही गायब होती हैं जो यहां निकलती हैं। यानी कुछ तो कहानी में दम है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो तरह के स्पेक्ट्रम है, ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पे देखो इमिशन हो रहा है हीट की वजह से, कुछ अंदर से निकल रहा है, यहां कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई है कि नहीं, व्हाइट लाइट आई, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड था, उसमें से वायलेट और येलो एब्जॉर्ब हो गए, अब वो इस स्पेक्ट्रम में नहीं दिखा पा रहे। वायलेट और येलो कैसे हो गए, डार्क देखा तो यहां पे डार्क, यहां पे डार्क, जहां पे वायलेट येलो बनने चाहिए वहां पे डार्क दिख रहा है, बाकी सारे कलर दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों गायब, और यहां पे यही दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब डार्क। तो ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आएगा। एनीवेज इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोहर इसको एक्सप्लेन कर गया, अभी लेक्चर के लास्ट में थोड़ा बहुत और बताएंगे। दो गलतियां समझ में आई, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के मॉडल पे चलो तो यहां पे सारे कलर दिखने चाहिए और यहां पे सारे कलर गायब होने चाहिए, कंटिन्यूअस यहां पे इमिशन और कंटिन्यूअस बनेगा एब्जॉर्प्शन, सारे गायब हो जाएंगे और यहां सारे दिखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ दिखे और वही गायब हो गए। अब वायलेट येलो याद मत कर लेना, हो सकता है यहां पे 6000 एंगस्ट्रॉन्ग वाली दिखे, 6500 वाली दिखे, 6700 वाली दिखे और यहां पे वही गायब हो जाए। छाप लें इसको, फिर हम आते हैं अब बोहर एटॉमिक मॉडल पे। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। थोड़ा हमने आपको बैकग्राउंड दिया, फील आया होगा आपको क्या है स्पेक्ट्रम वगैरह, कैसे बनता है, ये तो इस लेक्चर के लास्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मिलेगा आपको कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। अब लिखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो जो बोहर साहब थे, इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड का साहब का मॉडल काफ़ी अच्छा है, इसकी मैं एक साल स्टडी करूंगा, लैब में गए उनके लैब में एक साल स्टडी की, बढ़िया पढ़ा वड़ा। और फिर 1913 में बोहर साहब ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, बेसिकली यूज किया रदरफोर्ड का ही मॉडल, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की। इन 1913 बोहर गेव हिज एटॉमिक मॉडल इंस्पायर्ड फ्रॉम, या ऐसे लिख लो, एटॉमिक मॉडल विथ सम मॉडिफिकेशंस इन रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। तो पूरा खांचा रदरफोर्ड साहब का यूज किया और उसको कुछ मॉडिफाई किया। बोहर साहब ने क्या क्या कहा, सुनिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू हो गई कहानी। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। अब रदरफोर्ड साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के अबाउट, पर कहां घूमते हैं ये नहीं बताया। न्यूक्लियस के एकदम बगल में, थोड़ा दूर, बहुत दूर, शायद हर जगह घूमते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम सकता है, न्यूक्लियस के अगल जस्ट बगल में भी, थोड़ा दूर भी, और दूर भी, कहीं भी घूम सकता है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट हैं जो डिफाइंड हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है। दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, इन ऑर्बिट्स की एक एनर्जी भी फिक्स है, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। एंड दीज आर कॉल्ड, एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट नाम गया, नया नाम आ गया एनर्जी लेवल, जिसको आप ऑर्बिट या शेल बोलते थे उसको इन्होंने एनर्जी लेवल कहा। और स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट बोल दो, स्टेशनरी मतलब भी यही होता है फिक्स्ड, स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है, स्टेशनरी स्टेट, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है जो कि फिक्स्ड है। दीज वर नेम्ड,
दीज वर नेम्ड के एल एम एन डैश डैश डैश, जिसको आप बोलते थे फर्स्ट शेल उसको इन्होंने बोला के, सेकंड को बोला एल, थर्ड को बोला एम, फोर्थ को बोला एन. फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल. थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे लिखते हैं इसको. सुनो, ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर सकता है और इसके बाद सीधा यहां रिवॉल्व करेगा, इनके बीच में कहीं रिवॉल्व नहीं करेगा. ये नील बोहर ने कहा. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व, यहां भी रिवॉल्व, यहां हर जगह करता है कंटिन्यूअस. और ये बोल रहे हैं डिस्क्रीट पर्टिकुलर जगह. इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट है. दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, इस ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी भी है. फॉर एग्जाम्पल, इस ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. छी छी सर, इतना गंदा एग्जाम्पल. मतलब यही वैल्यू होती है, लास्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट. मान लो इस ऑर्बिट की एनर्जी एनर्जी है -13. अरे मान लो थोड़ी देर के लिए -13.6, और इस ऑर्बिट की एनर्जी है मान लो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है. -10, -11, -12, -9, 8, 7, 6, सब गायब है. ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स These orbits have fixed energy. इसकी एनर्जी फिक्स. अरे दिमाग में डाल लो 13 जूल, दिमाग में डाल लो 4 जूल. पहले वाले की एनर्जी 13 जूल, दूसरे वाले की 4 जूल. बीच में सारी एनर्जी लेवल्स गायब है. इनको एनर्जी लेवल बोलो या स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, और इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन की भी यही एनर्जी होगी. ये भी समझ लो, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है. कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है. जैसे मान लो अगली ऑर्बिट आई, नेक्स्ट ऑर्बिट आई, तो इसकी एनर्जी देखी गई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बीच से फिर कई एनर्जी लेवल गायब है. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2 कहां है, -3 कहां है, -2.8 कहां है, गायब है. कुछ सर्टेन स्टेबल एनर्जी लेवल्स है. इसको इन्होंने बोला के, इसको बोला एल, इसको बोला एम. इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी. जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है उसकी वही एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग. मजा आया, नई बातें होने लगी एनर्जी के टर्म्स में. इसको सेकंड पोस्टलेट बोल दें क्या? पोस्टलेट बोहर के तीन ही है. मेरी हर बात ध्यान से सुना करो, सब ये सालों का एक्सपीरियंस है. खट 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 एक डेढ़ घंटे में निकलता है, तभी तो लेक्चर बड़े बनते हैं, इतनी डेटा है मन में. बोहर के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोहर के तीन ही पोस्टलेट है, पर हम 4-5 लिखेंगे, हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग. इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, इसकी -3.4, इसकी -1.51. यार वैल्यूज तुम अपने दिमाग में सोच लो, इसकी 13 जूल, इसकी 3.5 जूल, इसकी 1.5 जूल, ऐसी सोच लो. अभी लास्ट में तो डिराइव करेंगे ना, दिखाएंगे माइनस क्या है, सब समझाएंगे. अभी फील हो रहा होगा कि कुछ एनर्जी लेवल्स गायब हैं. इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रिवॉल्व कर सकता, कहीं कहीं कर सकता है. 10 वर्ष वाले कहीं कुछ नहीं दिख रहे हैं. अगला पॉइंट सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. While revolving, very important, in a particular energy level, या particular orbit, जो समझना हो, in a particular energy level, orbit बोल ले, electron do not emit any radiation. अब ये क्या बोल दिया इन्होंने? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह रहा था कि एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन देगा. इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड है, गोल गोल घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड है, बिल्कुल है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास. ये मत कहना एनर्जी आ गई, चार्ज तो अभी भी है इसके पास. एक्सलरेटेड है, बिल्कुल है, अभी भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है.
तो फिर ये रेडिएशन इमिट क्यों नहीं कर रहा? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो हमेशा एनर्जी इमिट करता जाएगा, और करते करते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में भिड़ जाएगा। पर बोहर कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। रीजन? कोई रीजन नहीं दिया, पैच चिपका दिया। रदरफोर्ड की मिस्टेक पे पैच चिपका दिया। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। सर ये तो कोई भी कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता है। इन्होंने इसके पीछे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए और ये बात पाई कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल समझ रहे हो, तबला वाला एकदम पुरानी चीजें जो एकदम क्लासिक है, एकदम जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, साहब आप उसको त्याग दीजिए। अगर आपको एटम की पढ़ाई करनी है, एटम की पढ़ाई में वो सारे थ्योरम्स आपके सच नहीं है। ये हम नई फिजिक्स लेके आ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स, यहां नए नियम बनने हैं। आप अपनी वो तकिया नूची सोच को हटाइए। ये पहली बार नील बोहर ने, ये भाई क्वांटम फिजिक्स की इन्होंने पहली स्टोन रखी। इन्होंने बोला क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बना रखी है, एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, जो न्यूटन्स के लॉज वगैरह हैं, उनको आप इस पे पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी 100% अप्लाइड ऑन एटॉमिक लेवल। बंदे ने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है पूरे पुराने साइंटिस्ट को। इन्होंने खुला बोल दिया है कि अगर आप सच में एटम की स्टडी करना चाहते हो तो अपनी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी पढ़ी है, ये मत सोचना कि 100% अप्लाई होगी। ये एटम है, यहां ऐसा ही होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं जाता है दुकान लूटने। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी तो तुमने क्या देखा जीवन में? परपेंडिकुलर जाता है दुकान लूटने, तो कहता है कि हम फैजल खान के भाई हैं और यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यही बात है कि है एटॉमिक फिजिक्स, और यहाँ ये पूरी तरह से नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी इमिट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जब घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर एक कंडीशन बनती है कि तुम्हारी एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए। तुम एनर्जी इमिट नहीं कर सकते, तुम एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते हो। तुम बंद गए हो इस एनर्जी के साथ, तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया इस एनर्जी के साथ। रिश्ता, रिश्ते से कुछ और ही सोच रहे हो भाई, बहुत समय है ना, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करें भाई, और बताएंगे क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट ही नहीं कर सकता, क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता? कर सकता है, बट अभी बताएंगे कैसे। ऐसे नहीं, नोट करो पहले इतना। तीन पॉइंट एनसीईआरटी में शायद ये एक ही थ्योरम है, पूरा एक ही पोस्टुलेट है। क्लियर है? कुछ एनर्जी लेवल हैं, कुछ गायब हैं। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है उसकी वही एनर्जी होगी जो एनर्जी लेवल की है। और व्हाइल इवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन, एज इट इज, बोल दिया बोहर साहब ने। क्या ये बात सच है? हाँ, कुछ हद तक। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में बोहर का मॉडल भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। चलो खैर, इतना नोट करो, मिटा रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट नहीं कर सकता? कर सकता है। लास्ट पॉइंट में हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स और इमिट एनर्जी, इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी बात हम अभी लास्ट में आखिरी पोस्टुलेट में अच्छे से करेंगे। अभी हम इतना बता रहे हैं, अगर किसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन इमिट किया, पहली बात तो नहीं करेगा। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट तो नहीं कर सकता। अगर इमिट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो एनर्जी इमिट किया, तो इसको ये ऑर्बिट छोड़नी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, कहीं और रिश्ता जोड़ना है। तो अब कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, अब तो आ गई। इधर छोड़ेंगे तभी उधर जा पाएंगे, समझ रहे हो? मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक बंदा है,
यहाँ से इसको अगर गिफ्ट लेना है किसी और लड़की से तो ये वाला रिश्ता छोड़ के दूसरे रिश्ते में जाना पड़ेगा। अब समझ में आया सर, नेहा का गिफ्ट लेना है तो मेरे को शालिनी से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। सो इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और कैन इमिट एनर्जी, बट जैसा ही ऐसा करेगा वो, इट हैज टू लीव दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अब वो उस एनर्जी लेवल का पार्ट नहीं रहा, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो ऊपर भागेगा और लूज करेगा तो नीचे भागेगा। ये बात हम आखिरी पोस्टुलेट में इन डिटेल समझाएंगे, यहीं से आएगा इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसीलिए लास्ट में। अभी इतना क्लियर है, इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी इमिट नहीं करता, क्यों? क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल मैकेनिक्स यहां काम की नहीं, यहां नए फॉर्मुलेस पढ़ने हैं। तभी तो इसके लिए एक नई फिजिक्स बनी, क्वांटम फिजिक्स, नाम ही अलग है। आप बीएससी एमएससी करोगे इसका पूरी किताब अलग है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स। और एब्जॉर्ब किया तो ऊपर, लूज किया तो वापस नीचे, यहां से लूज करके इधर, यहां से एब्जॉर्ब करके इधर। ये सब अभी आगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इतनी बात तो हो गई कि इलेक्ट्रॉन किसी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, हर जगह नहीं करेगा। बात ये कहां करेगा है? कहां, न्यूक्लियस से कितनी दूर करेगा? जस्ट बगल में दूर, बहुत दूर, कुछ डिफाइन भी तो करिए बोअर साहब। आप बोल रहे हैं सर्टेन, तो सर्टेन है कहां? तो अब डेफिनेशन इसको मिटा दूं क्या? फोर्थ वाला क्या है कि एनर्जी अब्सॉर्ब और रिमिट करके कहीं जाना पड़ेगा, है ना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल दीवा। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, नो इट्स नॉट वर्किंग। ओके, द नेक्स्ट पोस्टुलेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ या डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट्स। कहां पे है ऑर्बिट कुछ बताइए भी, वह बोल दिया स्टेबल ऑर्बिट्स कहां पे। आप देखो कैसे डिफाइन किया, इसमें यूज किया था इन्होंने डी ब्रोई प्रिंसिपल का, जो कि हम बता नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। एकदम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल या इंटीजरल मल्टीपल ऑफ एच बटे टू पाई, जहां पे एच है प्लैंक कांस्टेंट। अब तक सब समझ गए होंगे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसका भी टैटू मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर पे बनवा रखा है, लेफ्ट आर्म पे, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकंड। सर दिखाओ दिखाओ टैटू दिखाओ, किसी वीडियो में दिख जाएगा, अभी तो ठंड लग रही है। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर, अब डिफाइन किया कहाँ है वो सर्टेन ऑर्बिट्स, ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द, क्या लिखा है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बंद करो सर पढ़ाई यहीं पे ये तो 11th का है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। अभी धीमे धीमे आएगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एल। तो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई है तो ठीक है, 2h by 2 पाई है तो ठीक है, 3h by 2 पाई है तो ठीक है, 4h by 2 पाई है तो ठीक है, पर अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 1.5h by 2 पाई तो ठीक नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। यानी इन्होंने कंडीशन लगाई l शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h by 2 पाई, यही ऑर्बिट्स चलेंगी where n is an integer। सभी लोग जानना चाहते हैं ये क्या होता है, हम बताते हैं ये क्या होता है, थोड़ी सी फिजिक्स देखते हैं 11th की। आओ, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम सबको पता है, बहुत बढ़िया। मोमेंटम के मोमेंट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम के मोमेंट को। फॉर्मूला देख लो,
वेक्टर एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, आर पोजिशन वेक्टर, पी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एम वी, यानी आर क्रॉस एम वी, मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलो, ए बी साइन थीटा, इसका ही फॉर्मूला ये बन जाएगा, वेक्टर एल इज इक्वल्स टू आर एम वी साइन थीटा, जहां पे थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आर और पी के बीच का एंगल या आर और वी के बीच का एंगल, आर एम वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम सिंपल है, 11th की फिजिक्स, ठीक है, इतना तो चलता है, छोड़ दिया कोई बात नहीं। आर क्रॉस पी, पी इज मोमेंटम, एम वी, यहां पे दो वेक्टर हैं आर और बी, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में आता है ए बी साइन थीटा, सो आर एम वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब जरा इसको इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं, ये रहा अपना नन्ना मुन्ना इलेक्ट्रॉन, डिंग 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 डिंग, गोल गोल घूम रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टेंजेंशियल हमेशा घूमते हैं, ये रहा आर वेक्टर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 90, कहीं पे भी देख लो, यहाँ देख लो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा कुचुक, ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट वेक्टर, रेडियस टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर भागे कुचुक, ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट 90, यानी थीटा तो 90 हमेशा ऑलवेज। सो वी कैन राइट एल इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एल इज इक्वल्स टू एम वी आर, ये इसकी स्केलर वैल्यू है, हमको डायरेक्शन से भी आज मतलब नहीं है, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो आर क्रॉस पी, तो आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ ये आउटवर्ड आएगा एंगुलर मोमेंटम, इससे प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन के परपेंडिकुलर, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस वी ऐसे बाहर आ रहा है, खैर छोड़ो। तो एल की वैल्यू एम वी आर है इलेक्ट्रॉन के लिए, एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया, आर क्रॉस पी मोमेंट का, मोमेंटम का मोमेंट, आर क्रॉस एम वी, आर वी के बीच में एंगल थीटा माना हमने, तो आर एम वी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा, फिर हम दिखाया वी आर के बीच में एंगल, एम वी आर, यानी वी कैन से एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ऐसे डिफाइन किया, मजा नहीं आया सर, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे फिर डिफाइन हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन क्या होता है बता दे, एन होता है ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, जैसे आपसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो सीधा एच बाई टू पाई, इलेक्ट्रॉन आपसे हम बोल दें सेकेंड एनर्जी लेवल में है, तो एंगुलर मोमेंटम 2h बाई टू पाई, समझ गए, थर्ड एनर्जी लेवल में 3h बाई टू पाई, बड़ा आसान है, जैसे एग्जाम में सवाल आ गया व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, के एल एम, तो एम कौन सी है थर्ड, तो एल इज इक्वल टू 3h बाई टू पाई, एन इंटीजर भी है और एन को आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट नंबर भी, शेल नंबर, एनर्जी लेवल, जो बोलना चाहो, नोट करें इतना, ये पहली कंडीशन मिली है, अभी धीमे धीमे आर डिफाइन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, मैं बताना भूल गया, इतनी बातें हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूं, बताना, लिखो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड क्या होता है, वाल्टर लुविन सर ऐसे बताते हैं, वाल्टर लुविन बहुत बड़े टीचर हैं एमआईटी के, वाल्टर लुविन कहते हैं द फूड यू ईट इज नॉट क्वांटाइज्ड, मतलब जब चावल खाते हो तो चावल क्वांटाइज नहीं है ना, कि एक चावल दो चावल कैसे गिनोगे, क्वांटाइज वो चीज़ जो गिन सको, जैसे हम दुकान से गए मार्कर खरीदने, एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर, क्वांटाइज्ड, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, h बाई टू के बाद 2h बाई टू पाई, उसके बाद 3h बाई टू पाई, 4h बाई टू पाई, बीच वाले एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करते, 1.6h बाई टू पाई, कोई आपसे बोल दे l इज इक्वल टू 3/7h बाई टू पाई, ना ये ना मिलेगा, ये कितना है करीब करीब, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 37.4, 0.4, ना भैया ये ना मिलना है, पहला एंगुलर मोमेंटम मिलेगा h बाई टू पाई, उसके बाद एक के बाद डेढ़, 1.7, 1.6 कुछ नहीं है, सीधा दो, क्वांटाइज्ड है, कुछ स्टेप्स में चल रहा है, क्वांटम स्टेप में चल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल सकता, अब आप दुकानदार से कहो कि भैया पेन दे दो कितने, ढाई, ढाई पेन तुमको देगा, वो डंडा लेगा दौड़ा लेगा, है ना, बोल रहा हम चेक कर रहे थे क्वांटम एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर, वो कहेगा ठीक है हम डंडा एक्सपेरिमेंट करेंगे,
देन यू रन, फिर मैं भाग भाग के घर आएगा तू, समझ गया। तो क्वांटाइजेशन के कुछ मतलब, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, यहां लिख दे रहा हूं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या चीज क्वांटाइज्ड है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कुछ पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम ही मिलते हैं, हर तरह के नहीं। एच बाई टू पाई, टू एच बाई टू पाई, पहली वाली ऑर्बिट में है तो एच बाई टू पाई, दूसरे में है टू एच बाई टू पाई, तीसरे में है थ्री एच बाई टू पाई। ये पहली कंडीशन लिख लिया, एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई टू पाई, बहुत बढ़िया। एन क्या है? शेल नंबर। अच्छा, अब एक पॉइंट उठाएंगे हम रदरफोर्ड के मॉडल से। भाई हम डिफाइन करने वाले हैं ना कि न्यूक्लियस से कितनी कितनी दूर पे ऑर्बिट बन सकती है, हम रेडियस निकालने वाले हैं इन शॉर्ट, कि कहां कहां पे ऑर्बिट मिलेगी न्यूक्लियस से कितनी कितनी दूर पर, हम सब निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब सब आ जाएगा। स्टार्ट करें कैलकुलेशंस, लिख लो ऊपर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस फॉर आर वी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा हमको अब यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज जो अभी आपने लिखी है क्या है? एम वी आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट। चलो अब थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल को यूज करते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने एक चीज बोल रखी थी, फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल उन्होंने एक चीज बता दी थी बड़े प्यार से, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जो प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है, ये जब गोल 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 घूम रहा है तो गोल घूमने के लिए फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। किसी भी कोई चीज अगर गोल सर्किल में है तो उसको क्या चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहां से मिल रही है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को मिल रही है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो इनके बीच में चार्ज वाला अट्रैक्शन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12 में पढ़ रखी है आपने, वही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही क्या बन रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये चीज रदरफोर्ड ने बता रखी थी कि घूमने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए इस तरफ फोर्स चाहिए होगी सेंटर की तरफ, तो वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही क्या बनती है? सेंट्रीपिटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो चार्ज के बीच में लगती है ना, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होती नहीं, कोई ना कोई फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जब धागे में पत्थर बांध के घुमाते हो तो टेंशन वाली फोर्स सेंट्रीपिटल बनती है। अब जैसे जब अर्थ सन के अगल बगल घूमता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है। ये मान लो अर्थ है, ये सन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल। तो गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिल रही है। सो वी विल से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी सिंपल। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है और इसका रेडियस r है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और रेडियस जिस सर्किल में ये घूम रहा है उसका रेडियस r है। तो यहां पे fc हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लो q1 और न्यूक्लियस पे मान लो q2, तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। आइए अब इसको यहां पे लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन पे? mv स्क्वायर बाय r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही। q1 q2 कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस e, पर यहां पे विद साइन नहीं रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन रखते हैं, फोर्स में कोई जरूरत नहीं। और न्यूक्लियस पे बच्चों चार्ज होता है प्लस जेड ई।
अब ये क्या है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, तो चार्ज कितना हुआ, प्लस ई। हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर दो, दो प्रोटॉन, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, प्लस टू ई। सोडियम की बात कर लो, एटॉमिक नंबर 11, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11, चार्ज होगा प्लस 11e। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई। और इसको यहां पे पुट करते हैं, एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये आई रदरफोर्ड साहब के मॉडल से, वो आई बोहर साहब के। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप वैल्यू निकालो आर की। भाई देखो यहां पे आर अननोन है, वी अननोन है, एम तो पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, तो कैसे निकलेगा आर, कैसे निकलेगा सोचो, फर्स्ट और सेकंड को यूज करके आर, वी को हटाना होगा, वी भी अननोन है। तो अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर कर दें और उसको डिवाइड कर दें सेकंड से, फर्स्ट का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4πσ² और इसको डिवाइड कर दो सेकंड से, तो भैया ये कितना है, एम वी स्क्वायर बटे आर, और यहां हो जाएगा 1/4πε0 ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। आओ इसको सॉल्व कर लो, इसके स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दो, क्या होगा ना, ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल चला जाएगा। तो याद ध्यान देखो क्या होगा भाई, इस m से एक m मर जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मर जाएगा, और बताओ इस r से एक r मर जाएगा, 4 से 4 मर जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा, और कुछ, और कुछ नहीं। चलो तो क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, खिचड़ी पक गई है। तो एम आर स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां से ये आर ऊपर आएगा, एप्सिलॉन नॉट आर है ना, यहां से एप्सिलॉन नॉट और आर ऊपर, नीचे बचा पाई जेड ई स्क्वायर, बोलो सही है, दो बार ई है, ई स्क्वायर। अब यहां से देखो, एक आर से एक आर मर गया, अब R का फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। ये डिफाइन हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इतनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा या इतनी दूरी पे आपको शेल मिलेगी। N की वैल्यू 1 रख दोगे तो पहली शेल, N की वैल्यू 2 मिल दोगे रख दोगे तो दूसरी शेल का रेडियस, 3 रख दोगे तीसरी शेल का रेडियस, एंड सो ऑन। R is equals to n square h square epsilon naught upon pi m z e square, नोट करें n square h square epsilon naught upon pi m z e square। इसको कई लोग 0.53 into n square by z angstrom या रट लेते हैं, सही है, पर conceptually एग्जाम में मान लो बोल दे इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अभी हम भी शॉर्टकट बताएंगे, बट आपको ये भी आना चाहिए, n square h square epsilon naught upon pi m z e square, बस एक R का याद कर लो, बाकी सब फिर से अपने आप आ जाते हैं। नोट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू दिस, Q1 Q2 की वैल्यू रखी, फिर हमने उसका स्क्वायर, एक उस वो इक्वेशन यूज करनी है क्वांटाइजेशन कंडीशन, और एक ये उसका स्क्वायर इससे डिवाइड कर दो, आर का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। मिटा रहे, चलो उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया था वरना पीछे जाके पॉज करके नोट करो। सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यार इसमें से कई चीजें जो है ना कांस्टेंट है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है। तो अगर हम सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू रख दें, प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई की, ई की, देन वी गेट R is equals to 0.529 into क्या बचा n square
नीचे क्या बचा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दी अपॉन जेड, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम। तो ये एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हो, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, कई लोग याद कर लेते हैं 0.53, वो भी सही है, आर इज इक्वल्स टू 0.53 एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। आया यहां से, ठीक है, इसको मिटा ले, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, याद करो मेरे साथ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। अब इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, प्लैंक कांस्टेंट की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, पाई की, देन यू गेट दिस। अब इसमें भी अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल्स टू 1, एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन एटम में अगर हम पहली शेल का रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, इट विल बी 0.529, पहली शेल के लिए एन की वैल्यू भी 1 हो गई, जेड की वैल्यू तो 1 है ही एंगस्ट्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है, इसको हम बोलते हैं ए नॉट, दिस इज कॉल्ड ए नॉट, और इसको बोहर्स रेडियस भी बोला जाता है, दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड शेल, तो ये हो जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, है ना, यानी 4 इंटू 4। रेडियस ऑफ अगर थर्ड शेल पूछे या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इट विल बी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन सो ऑन। अब जिस एटम के बारे में पूछ रहा है उसका एटॉमिक नंबर डालो, ऊपर जिस शेल के बारे में पूछ रहा है उसका नंबर डालो, यू गेट द वैल्यू, ये रहा शॉर्टकट। तो फिर आप ये फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं, मान लो एग्जाम में जेई एडवांस में सवाल आ गया, एन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल हुज मास इज डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज चार्ज इज हाफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ये फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, आप जानते हो एडवांस जब क्वेश्चन बनाता है दिमाग लगा के, वो बोल देगा एन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द पार्टिकल इज डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज हाफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा खेल गड़बड़ा गया। तो आपको ये फॉर्मूला कम से कम आना चाहिए, क्लियर है। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, अब सब आसान है, एक आ गया ना, बहुत छोटा है रेडियस, देखा आपने एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर्स में, ठीक है, फर्स्ट शेल जो हाइड्रोजन की होती है उसको ए नॉट भी बोला जाता है, किसी भी एटम के लिए लगा सकते हो आप, खैर आगे आप पढ़ोगे कि एच लाइक एटम पे ही ये मॉडल वैलिड है। जैसे मान लो हमसे पूछ ले सेकंड शेल ऑफ एच ई प्लस, ठीक है, ऐसे लिखता है एच ई प्लस, अभी ये लास्ट में बताएंगे क्यों, खैर एनीवेज एच ई प्लस अच्छा हीलियम का, अभी ऐसे ही छोड़ दो, हीलियम का पूछ रहा है, तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, और सेकेंड शेल के लिए कहानी पूछ रहा है, सो आर इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, जो भी वैल्यू मिल जाएगी। ये फॉर्मूला आप किसी भी एटम पे लगा सकते हो, ठीक है, बेसिकली बोहर मॉडल से अगर निकालना है तो, मान लो आपसे पूछ ले व्हाट इज द रेडियस फॉर फोर्थ, ऐसे ही पूछ लेगा, अच्छा देखो इस तरह से, फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li++, अभी वो छोड़ दो प्लस प्लस क्यों है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3, अभी आप जेड पे ध्यान दो, प्लस क्यों लगा है वो अभी लास्ट में बताएंगे, एच लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम कोपचे में रखो, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो जेड की वैल्यू हो गई 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल, देखो ये होता है ग्राउंड स्टेट फर्स्ट शेल, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड, ये होता है सेकेंड एक्साइटेड, ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड लिख दे, तो अब तो कर लोगे आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है। अब वी की वैल्यू निकालते हैं, आर क्लियर हो गया, नोट कर लें पॉज करके, फिर वी की वैल्यू फाइंड करते हैं, हो गया पॉज करके नोट कर लें, ओके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, बस एक ही हम याद करने को कहेंगे, बाकी सब यहीं से आ जाएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, शॉर्टकट 0.529 एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। चलो अब वी निकालते हैं,
तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आर इन फर्स्ट, आर की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। एम ओ वी आर क्या है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वेयर, आर की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, वी मिल जाएगा। एन एच अपॉन टू पाई, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, पाई से पाई मर गया, एक एन से एक एन मर जाएगा, एम से एम मर जाएगा, एक एच से एक एच मर जाएगा, क्या बच रहा है, वी एन एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन बाई टू। यहां से वी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, एन ने वी एच ने वेरी सॉरी वी एन एच भी बच रहा है, वी एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ शेल या एनथ ऑर्बिट या एनथ एनर्जी लेवल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन बोले इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल बोले, अभी वैल्यू तो रखी नहीं है, क्लियर है। एम वी आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन वन पाई एम जेड स्क्वायर और उधर एन एच बाई टू बाई कैच कट्टम गुट्टा खेला, वी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन, ठीक है। अब ये तो आप किसी भी पार्टिकल पे लगा सकते हो, जेई एडवांस का बढ़िया सवाल है, बोले कि चार्ज जो है पार्टिकल का वो इलेक्ट्रॉन से डबल है तो ई की जगह टू ई रख देना वगैरह वगैरह, मान लो बढ़िया सवाल आता है। खैर एनीवेज, अभी तो आपको पता है कि आपको ई की वैल्यू नोन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको प्लैंक कॉन्स्टेंट नोन है, आपको एप्सिलॉन नॉट नोन है, तो इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एच 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज रख के आपको वी मिलेगा 2.18 × 10⁶, क्या बचा जेड और वन इंटू जेड बटे एन मीटर पर सेकेंड। अब आप किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम का, किसी भी शेल में जाके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल्स टू वन, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फर्स्ट शेल में एन की वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज चलता है इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज, 10⁶ हाइड्रोजन की पहली शेल में बहुत तेज चल रहा है ये जेड इंटू एन, देखो जेड बाई एन, जेड हो गया वन, एन भी हो गया वन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, अब इसमें कांस्टेंट की वैल्यू रख के, अब ये फॉर्मूला पर्टिकुलर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, समझ नहीं रहे, एडवांस जो सवाल आता है वो कहता है इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, ऐसा बढ़िया किताब में ये सब सवाल मिलते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हम बता रहे थे, ठीक है। ये शॉर्टकट आप याद कर सकते हो। अब ये स्पीड जो है ना लाइट की स्पीड से कंपेरेबल है, तो इसको कई बार लाइट की स्पीड से कंपेयर किया जाता है किताबों में, कि वी वन को आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1/137, डेटा है बस ऐसे ही लिख सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸, थोड़ा कंपेरेबल हो रही है कि नहीं, है ना, इससे 100 गुना तो ज़्यादा है, 10^2 टाइम्स, तो डिवाइड करोगे यू विल गेट 1/137। इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं, अल्फा इनके रेशियो को, अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ख्याल मतलब का नहीं, क्लियर है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ एनर्जी लेवल। अब आपसे बोलते फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच ई प्लस, तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल्स टू 2, एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड होती है 1 × 2, बस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो कैंसिल, यही आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है। तो V निकल आया, R निकल आया, अब निकालते हैं पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी, अब हमें इसकी जरूरत है क्या, नहीं है इसकी जरूरत, ठीक है। तो आपको R मिल गया है,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। हाँ, इसका शॉर्टकट मिल गया है आर का, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। आपको वी मिल गया है, वी कितना है, जेड स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन। ये मत याद करो, बस एक वो याद रखो, और v की वैल्यू कितनी आई है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बटे n मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दोगे e h epsilon नॉट, तो 2.18 10 की पावर 6 z बटे। अब आओ निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या वी की वैल्यू हमें पता है, वो लिखिए, डाल दो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगी हाफ एम वी की जगह जेड स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस यू विल गेट, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, 2 4 8, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सही, एकदम सही है, ये काइनेटिक एनर्जी आपको मिली। अभी इसमें कांस्टेंट की वैल्यू मत रखो, हम टोटल एनर्जी देख के सब बता देंगे अभी शॉर्टकट, अभी इतना पकड़ लो। अब पोटेंशियल एनर्जी जरा देखते हो, काइनेटिक एनर्जी यहां लिखे, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। यही है, कुछ नहीं करना, हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ नहीं हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू बढ़ा दी, पुट कर दी, टेंशन नहीं लो। अभी इसका भी शॉर्टकट है, उन दोनों का बताया कि नहीं, 0.59 स्क्वायर बाई जेड, 2.18 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन, इसका भी आ जाएगा, रुक से जाओ। जरा पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। खास बात यहाँ पे Q1 Q2 विथ साइन रखे जाते हैं। अब ये सब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा होगा तो जानते होंगे कि Q1 Q2 को यहाँ पे चार्जेस को यहाँ पे विथ साइन रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पुट करें वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, अब विथ साइन, पोटेंशियल एनर्जी में विथ साइन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस याद है प्लस जेड ई, आर की वैल्यू वहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये सही है ना, दोनों की चार्जेस याद है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन है Q1 इज इक्वल्स टू माइनस ई, एक न्यूक्लियस था एटॉमिक नंबर जेड, Q2 इज इक्वल्स टू प्लस जेड ई। आ जाओ यहां से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो देखें 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 देखें, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, कर दो, और कुछ हो रहा है, और कुछ हो रहा है, ये जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये जेड स्क्वायर ऊपर गया तो हो जाएगा ऊपर ई स्क्वायर ई की पावर 4, एक माइनस भी रहेगा, ये एम भी जाएगा, रुक जाओ, ये पूरा ऊपर गया, सो माइनस, ध्यान से देखो, माइनस एम जेड 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 स्क्वायर ई स्क्वायर और ये स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही मिल रहा है। देखो कुछ कुछ ऐसा ही है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 नीचे 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अच्छा इसको एकदम वैसे ही लिख दूं मैं, डिनोमिनेटर में 8 ले आऊं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। मैं चाहता था इसको भी वैसे ही लिखूं कुछ कुछ। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर, बोलो सही है।
8h² ε² n² पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल है और नेगेटिव है, ठीक। अब आते हैं टोटल एनर्जी पे, मिटा रहे हैं, बहुत सिंपल है, 4πε0 q1 q2 by r, r की वैल्यू वहां से पुट की, q1 q2 की वैल्यू पुट किया, जो आया वहां पे ये आया, फिर हमने कहा इसको वैसे ही लिखें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, वो लिखिए वैल्यू, ठीक। अच्छा अब आते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पे, बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी क्या होगी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 8h² ε0² n² और वो कितनी, इसी का डबल, -2 mz² e की पावर 4 8h² ε0² n² तो भाई इसमें से -2 करोगे क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, सेम एलसीएम दोनों का सेम ही है, 8 मतलब डिनोमिनेटर ε0² n² इसमें से माइनस करो क्या आएगा, -mz² e की पावर 4, यानी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव है, जो बात सही भी है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तब बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन एक लोन में है, इतनी एनर्जी के लोन में है न्यूक्लियस से, अभी लास्ट में और बताते हैं इस बारे में, बंधा हुआ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का उधार है, जब उसको एनर्जी देते हो तब बाहर आता है, केमिस्ट्री पढ़ा है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यही तो है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। खैर ये टोटल एनर्जी आई। अच्छा अब इससे हम एक इन्फ्रेंस पहले बना लें कि इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो तो काफी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, दिख रही है। क्या हम बोल सकते हैं दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, या हम बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बोलो सही है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 2 times ऑफ टोटल एनर्जी, नॉट माइनस, ओनली 2 times। ये एक स्टेटमेंट पकड़ लो, बस ये एक स्टेटमेंट पकड़ लो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 2 times है और नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की भी 2 times है पर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, पोटेंशियल थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग में एब्जॉर्ब करो, ये चीज नोट करो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 2 times है और नेगेटिव भी है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की भी 2 times है पर दोनों ही नेगेटिव है। अब इसमें आपको पता है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, एट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये सारी वैल्यूज पुट करने पे हमें मिला द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सब हमें मिला -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ये याद कर लो, बाकी कुछ याद नहीं करना। अब कोई तुमसे कहे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका डबल कर दो, कोई कहे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसके आगे प्लस लगा दो, देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या है, बराबर है, प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पकड़ लो, -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई कहे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कहे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस पे प्लस लगा दो, खत्म खेल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n होगा शेल का नंबर, z होगा एटॉमिक नंबर, हर शेल की एनर्जी अलग अलग होगी, n की वैल्यू रखने पे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कि शेल की, शेल की, बताया था ना इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी वही होती है जो शेल की, यानी दिस इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अरे यार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लो मतलब शेल की एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होती है जो उसके शेल की होती है, तो पहले ही पढ़ लिया था, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इट इज रिवॉल्विंग इन। तो फर्स्ट शेल की चाहिए इनकी वैल्यू 1, सेकंड शेल की चाहिए इनकी वैल्यू 2,
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद ना तुमको ये याद रखना है ना ये याद रखना है, कुछ नहीं, सिंपल शॉर्ट, टोटल एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होती है, काइनेटिक एनर्जी इसमें प्लस लगा दो। अच्छा टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव है, आई फिर लिखेंगे सब समझी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, बंधा हुआ है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसी को तो हम बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव। जैसे आप याद करो कि अर्थ और सन की भी अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे, अर्थ की भी एक ऑर्बिट में अपनी एनर्जी निकालोगे तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी, जिसको हम बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट्स की, प्लैनेट्स की, सबकी नेगेटिव होती है क्योंकि बाइंडेड होते हैं किसी एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट से, तभी तो उसके अगल बगल घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कोई पूछे नेगेटिव क्यों है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाउंडेड टू न्यूक्लियस, बंधा हुआ है उससे, कर्ज में है, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी दोगे तभी बाहर है। पॉज करके नोट कर लीजिए फिर बताएं आगे। क्या ये हमें याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है, हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया है, उसी को हम चिपका देंगे। मिटा रहे हैं? ओके। So what you can say that the total energy of a shell is equals to कितनी आई थी, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इसी पे हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखी तो हमें टोटल एनर्जी मिली माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमसे कोई कहे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें सब निकालनी है तो बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दिखाई पड़ रहा है यहां तक बोर्ड? दिखाई पड़ रहा है कैमरे में यहां तक बोर्ड? जी बिल्कुल, टोटल एनर्जी इज माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर या माइनस 13.6। और आखिरी स्टेटमेंट आपने क्या लिखी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसी के आगे प्लस लगा दो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखो सेम है ना, बस माइनस प्लस, तो इसमें प्लस लगा दो और पोटेंशियल चाहिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, खत्म खेल सारा। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, टोटल एनर्जी को इन जूल्स भी बताया गया है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी इन जूल्स होती है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स। माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। क्लियर है? जैसे मान लो सवाल आ जाए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बहुत रेयर सवाल है, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li++। बड़ा कंफ्यूज होगा, क्या होगा? अरे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेट की वैल्यू कितनी होगा? जेट देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेट की वैल्यू 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है कि सेकेंड ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट है, यानी एन की वैल्यू 3। एक्साइटेड होता तो एन की वैल्यू 3, एक ऊपर चले जाते हैं एक्साइटेड में, एन इज इक्वल टू 2। अब आप कुछ नहीं करो, आप टोटल एनर्जी निकाल लो,
तो एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस 13.6, जेड कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आपसे क्या पूछा है इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वहां से देखो क्या है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी है इसी का प्लस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, सॉरी इसी का नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी प्लस 13.6 इंटू 9/4। अरे यही तो है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का नेगेटिव। कर लोगे अब, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब निकाल सकते हैं। पोटेंशियल पूछता तो इसी का डबल हो जाती, माइनस 2 इंटू 13.6, क्लियर है, इंटू 9/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पकड़ लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी डबल, काइनेटिक एनर्जी इसमें प्लस लगा दो, मिटा दें। ओ अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। हाइड्रोजन एटम की बात करें, एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की, तो एनर्जी इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में या ग्राउंड स्टेट में कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 रखो, माइनस 13.6, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई ग्राउंड स्टेट। अगर हम कहें सेकेंड शेल में कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, माइनस 13.6, जेड की वैल्यू अभी भी 1 है, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड शेल में एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6, जेड की वैल्यू अभी भी 1 का स्क्वायर, यहां पे 3 का स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल कम आउट टू बी नियरली माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड वैल्यू। अगर फोर्थ शेल में आओगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज है इसलिए याद हो जानी चाहिए आपको, 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी नियरली माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए निकाला जाता है बेसिकली, ये मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम पे ही वैलिड है। अब इसी में चाहो तो फिफ्थ शेल की भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, माइनस 13.6, 1 स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी कम आउट टू नियरली टू बी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी में चाहो आप सिक्स शेल का भी निकाल सकते हो, तो सिक्स शेल के लिए क्या हो जाएगा अपना 1 स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी नियरली 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सेवन शेल का भी निकाल सकते हो, तो सेवन शेल की आ जाती है नियरली 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। अच्छा जरा देखो गैप कम होता जा रहा है, पहले गैप बहुत बड़ा है, फर्स्ट से सेकंड का गैप बहुत बड़ा है, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का गैप काफ़ी बड़ा है, 9 के करीब, उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा, उसके बाद बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, उसके बाद और छोटा। देखो गैप लगातार कम होता जा रहा है, 9 के करीब, 1.5 से 2 के करीब, 1 के करीब, 0.25 के करीब, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, ये 0.20 के करीब, 0.10 के करीब, गैप लगातार कम होता जा रहा है, नोट करें इसको। ये हाइड्रोजन के लिए, बाकी आइटम्स के लिए भी ऐसा ही दिखेगा आपको, जेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हीलियम के लिए पूछा, लिथियम के लिए पूछा, क्लियर है। तो अब आर वी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब निकाल सकते हो फॉर एनी एटम एंड एनी शेल, मिटा रहे, ओके। इसी को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स को, जो कि हमको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत हेल्प करेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ेंगे। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आप देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम सेमीकंडक्टर में भी पढ़ना है आगे, क्या होता है
इधर मान लो हमने एनर्जी ले ली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहीं से शुरू करते हैं। ये मान लो n इज इक्वल्स टू 1 है ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है। अब इसे थोड़ा ऊपर जाएंगे करीब यहाँ, n इज इक्वल्स टू 2 एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गैप थोड़ा कम हो गया ए यहाँ, n इज इक्वल्स टू 3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गैप और कम हो जाएगा ए ये, n इज इक्वल्स टू 4 एनर्जी कितनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से कंसेक्यूटिवली गैप कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और उसके बाद लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगी एनर्जी लाइंस। कुछ समझ में आया? पहले देखो गैप कितना बड़ा है, फिर एनर्जी गैप कम हुआ, फिर और कम एंड कम, उसके बाद सब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड आ गया, इसके बाद मतलब ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। और पता है एक चीज और है, जब एन की वैल्यू कहीं पे जाके इन्फिनाइट हो जाएगी ना, तो वहां पे एनर्जी जीरो हो जाएगी। ध्यान से देखो, एन की वैल्यू इन्फिनाइट रखो, टोटल एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एन की वैल्यू इन्फिनाइट का मतलब इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब न्यूक्लियस से आजाद हो गया। एक्चुअल में इन्फिनाइट नहीं, मतलब इन्फिनाइट का मतलब न्यूक्लियस के लिए 1 सेंटीमीटर, न्यूक्लियस के लिए तो 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, 1 मिलीमीटर बहुत बड़ा है। इन्फिनाइट न्यूक्लियस से आजाद हो गया, टोटल एनर्जी जीरो हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई लोन नहीं, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है बिना एनर्जी दिए। तो स्टार्टिंग में आप देखो एनर्जी गैप ज्यादा है, फिर धीमे 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 एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी गैप देखो छोटा हुआ, और कम हुआ, और कम और कम, फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगे। आपको दिखाया ना मैंने, गैप कम होता जा रहा था 0.85 के बाद 0.54, 0.37, 0.27। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लें, यहीं से एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन होगा पूरा। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट पोस्टुलेट पे। किताब में 3 ही पोस्टुलेट मिलेंगे एनसीईआरटी में, मैंने थोड़े बढ़ा के बताए सब। आखिरी पोस्टुलेट पे आ जाते हैं, शायद मैं 5 बता चुका हूँ, इसको हम 6 लिख लेते हैं। 6 पोस्टुलेट, आपने कैलकुलेशन देख ली सारी, आर 0.5299 स्क्वायर बटे जेड, जेड एटॉमिक नंबर है, वी 2.18 × 10⁻⁶ जेड बाई एन, टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल, काइनेटिक एनर्जी इसका प्लस। अच्छा, 6 पोस्टुलेट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन मे इमिट रेडिएशन यानी एनर्जी यानी फोटोन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल्स डी एक्साइट्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल। इसको लिख लो व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन में इमिट रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल्स या डी एक्साइट्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, पहले तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते वक्त रेडिएशन इमिट नहीं करता, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां अप्लाई नहीं हो सकती। फिर इन्होंने कहा कि अगर इमिट करेगा तो वो फॉल करके किसी और ऑर्बिट में चला जाएगा, व्हाइल इवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं कर सकता, वहां से हटना पड़ेगा रेडिएशन को इमिट करते ही। व्हाइल इवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन मे इमिट रेडिएशन, हमेशा नहीं, मे इमिट रेडिएशन, रेडिएशन मतलब फोटोन एनर्जी ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल, द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स
जो एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड है डेल्टा ई या एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू लेवल्स ई एन टू माइनस ई एन वन. अगर एन टू से एन वन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ई एन टू माइनस ई एन वन. अब समझ रहे हो इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स है ना, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, तो इनका डिफरेंस भी फिक्स होगा. हर तरह का डिफरेंस तो पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस तो मिलेंगे भाई. जब एनर्जी की शेल्स एनर्जी लेवल्स ही जब फिक्स हो गए हैं तो डिफरेंसेस भी तो कुछ पर्टिकुलर ही मिलेंगे. अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो इस एनर्जी डिफरेंस वाला फोटोन बाहर निकलेगा जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी. यही सब आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ना है. बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जंप किया फ्रॉम अ हाई, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये तो समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही तो हायर. इसकी एनर्जी ज्यादा है कि इसकी, इसकी, अरे नेगेटिव कम हो गया. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो जैसे जैसे बाहर जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, ये चीज समझो. ये माइनस 13.6, ये माइनस 3.4, ये माइनस 1.51, जैसे जैसे बाहर जा रहे हो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, हायर एनर्जी लेवल बाहर है. ये माइनस 13.6 बार बार रिपीट करके दिमाग में डाल दूंगा, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85. एनर्जी बढ़ रही है. तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को क्या सूझा कि चलो हमारे पास बहुत एनर्जी है, हम एक रेडिएशन इमिट कर देते हैं. पूछो कि एक रेडिएशन इमिट किया, पर कोई कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं कर सकता. कोई पर्टिकुलर ऐसी रेडिएशन इमिट करे जिसको इमिट करने के बाद इसकी जो बची हुई एनर्जी हो वो यहां पे पड़ जाए. इतना ज्यादा मत इमिट कर देना कि यहां ना आ पाओ, कहीं और निकल जाओ, फिर पॉसिबल नहीं है. जैसे यहां वाला इलेक्ट्रॉन है, सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दो तरह के फोटोन इमिट कर सकता है, ये दो तरह के फोटोन इमिट कर सकता है. कौन कौन से? एक तो वो ऐसी एनर्जी का फोटोन छोड़ दे कि वो यहां पहुंच पाए, या तो वो ऐसी एनर्जी का फोटोन छोड़ दे कि यहां पहुंच पाए. यही है स्पेक्ट्रम, बस दो ही फोटोन छोड़ सकता है, इसीलिए आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है. एक बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे, सुन लो बहुत मजा आएगा. अरे सुन लो, कहां जा रहे हो, ऐसे ही इतना टाइम हो गया, अब सुन ही लो. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस 1.51 में, तो इसको पर्टिकुलर इतनी ही एनर्जी का फोटोन छोड़ना है कि यहां गिरे, और कोई बीच का फोटोन नहीं निकाल सकता. इमिट रेडिएशन फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही निकालेगा. ऐसी वेवलेंथ का फोटोन निकाले जिसका एनर्जी इस डिफरेंस पे हो, या जिसकी एनर्जी इस डिफरेंस की हो. यहां वाले इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन थोड़े ज्यादा है, ये ऐसा फोटोन निकाले जिसका डिफरेंस ये हो या ये हो या ये हो. और एक तरीका और है, अभी इसको छोड़ दो. बता रहे थे, कुछ फील हुआ? अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी तो पढ़ना है, लालची क्यों बन रहे हो, अगला लेक्चर भी तो आना है. कुछ फील हुआ कि किसी भी तरह का आप फोटोन नहीं निकाल सकते, कुछ पर्टिकुलर निकाल सकते हैं. आप इलेक्ट्रॉन को हीट करते हो, गैस को, एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर जाता है ऊपर, फिर वहां से वापस आता है, वापस आते वक्त वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देता है, ये पढ़ेंगे. क्लियर है? ये एच सी बाय लैम्डा, ये वेवलेंथ हो गई. किसी भी वेवलेंथ को वो इमिट नहीं कर सकता, सम स्पेसिफिक. अच्छा, इसी में देखो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी समझ सकते हो. वाइल इसको नोट कर लो पॉज करके. वाइल इवॉल्विंग इन अ इन अ नोट कर लो पॉज करके 1 2 3 4 5 वाइल रिवॉल्विंग इन अ लोअर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब रेडिएशन फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड जंप्स यानी एक्साइट्स टू अ हायर एनर्जी लेवल द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज ऑलवेज द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स. अब सुनो इसको, वाइल रिवॉल्विंग इन अ लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर है माइनस 13.6, ये अपर है माइनस 3.4.
While evolving in a lower energy level, electron may absorb a photon. इसने एक photon absorb कर लिया, energy खा ली, white light pass की थी gas से white light pass की थी, एक photon खा लिया, indigo वाला photon ले लिया, आए, indigo वाला नहीं जाएगा उधर, गायब हो गया था ना, indigo वाला खा लिया या violet वाला खा लिया, white light pass की एक photon खा लिया, तो photon खा लिया तो energy बढ़ गई, अब energy बढ़ गई तो चलो भैया अगले level पे क्या ये कोई भी फोटोन खा सकता है न न न न न न वही खाएगा जिसका एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर हो या जिसका एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर हो और अलग अलग एटम के लिए डिफरेंस तो अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग एटम की एनर्जी में एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व है सबका अपना अपना एनर्जी लेवल सबका अपना अपना डिफरेंस भाई हर एटम का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग एनर्जी लेवल सबका अलग अलग डिफरेंस सब अलग अलग प्रकार के फोटोन खा सकते हैं यानी सब अलग अलग प्रकार के फोटोन खाएंगे वहां पे वो डार्क हो जाएगा हाँ अरे व्हाइट लाइट आई वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इसने उसमें से इंडिगो खा लिया या वायलेट येलो खा लिया तो वहां वायलेट येलो गायब हो जाएंगे कि नहीं वायलेट येलो खा लिया क्योंकि वायलेट येलो इसके किसी दो डिफरेंस के बराबर पड़ रहे थे बाकी नहीं खाया क्योंकि बाकी किसी डिफरेंस के बराबर नहीं मैच किए जैसे मान लो ये डिफरेंस कितना है निकाल ही लेते हैं -13.6 -3.4 इसमें से इसको फिर से माइनस कर दें प्लस हो गया दो तीन में से तीन गया दस तो ये वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो अब इसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप निकाल सकते हो एचसी बाय लैम्डा से यहाँ एचसी का शॉर्टकट भी मैंने बताया 1 2 3 7 5 रख दो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको इन एंगस्ट्रॉम पता चल जाएगा कौन सा पर्टिकुलर फोटोन ये खा के ऊपर जंप करने वाला है दूसरा ये कौन सा खा सकता है इस डिफरेंस का -13.6 -1.51 इसको माइनस किया प्लस हो गया इसको भी हटा दे थोड़ी देर अप्रॉक्स छः में से पाँच गया एक दो एक ये वाला फोटोन ये खा सकता है और कौन सा इसके बाद वाला देखो कुछ पर्टिकुलर है 10 के बाद सीधा 12 वाला 11 वाला नहीं खाएगा इसलिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को गायब करके कूद जाएगा और वो वेवलेंथ आपको नहीं दिखेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नोट करें नेक्स्ट चैप्टर में आएगा स्पेक्ट्रम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में सो ये थे बोहर साहब के सारे पोस्टुलेट कैलकुलेशन और सारा एक्सप्लेनेशन अब आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है डिस्क्रीट क्यों बन रहा है स्पेक्ट्रम क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ही है तो कुछ पर्टिकुलर फोटोन ही खाएगा और वही इमिट करेगा जो दो एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल हो विच इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स मिटा रहे अब आता है ड्रॉबैक्स इन बोर एटॉमिक मॉडल इतनी मेहनत की बंदे ने इतने आपको चीजें पढ़ाई अब हम लेके आगे कि भैया इनके मॉडल में भी खराबी है इनके मॉडल में भी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सब मिटा दे कि लिखा रहने मिटा दे चलो मिटा देते ड्रॉबैक्स इन बोर एटॉमिक मॉडल तो भैया जब हमने इसको टेस्ट किया तो देखा ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही काम किया ले भाई इतना मेहनत करके हाइड्रोजन पे हीलियम पे लिथियम पे बेरिलियम पे बोरॉन पे कार्बन पे नाइट्रो किसी पे काम ही नहीं कर रहा था इट सर इतनी मेहनत करके एक एटम इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ओनली एच एटम एंड सुनो एच लाइक एटम एच लाइक मतलब यार हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी अब कई क्या बच्चे ये भी पूछने लगते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप इतने एनर्जी लेवल कैसे दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉन एक है रहे तो कहीं भी सकता है इलेक्ट्रॉन एक हो सकता हो हायर एनर्जी लेवल में कहीं से फोटोन खा के ऊपर चला जाए फोटोन खा के ऊपर जाएगा फिर वापस जरूर आएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर खुश नहीं रहता खैर कई बच्चे कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतने एनर्जी लेवल कैसे भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है उसकी एनर्जी क्या है तो इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ओनली एच एटम एंड एच लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सुनो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे एच ई प्लस हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों दो एक लूज कर दिया एच ई प्लस अब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लाइक एल आई प्लस प्लस लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के शेल में 2.1 तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम में
एटॉमिक नंबर तीन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार, एटॉमिक नंबर चार, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो ये हो गए आपके एच लाइक स्पीसी, इसीलिए मैं बार बार प्लस लगा रहा था, अब क्लियर हुआ। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे चलता है, हाइड्रोजन और एच के जैसे एटम। हीलियम में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक लूज करा दो। लिथियम में होते हैं तीन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो तीन में से दो लूज हो गए, टू प्लस आ गया। बेरिलियम में चार, तीन लूज हो गए। दूसरा, इट कैनॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी। अब ऐसे क्यों कि आप बार बार इंसल्ट कर रहे हो, मान लिया उन्होंने खुद ही कि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, मतलब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा पाए बढ़िया से, बाकी किसी का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पा रहे थे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो पाया इससे, बाकी सबका मुश्किल था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको याद हो आप ड्यूअल नेचर पढ़ चुके हो, ये सिद्ध हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, फिर भी नील बोहर ने अपने मॉडल में कहीं इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात ही नहीं की। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वायलेटिंग डी ब्रोए हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोए की हाइपोथेसिस थी कि क्या, कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज अ वेव, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे लगती है, छोटे छोटे पार्टिकल, पर ये तो इलेक्ट्रॉन कहीं मान ही नहीं रहे, ये तो वेव कहीं मान ही नहीं रहे, पूरे टाइम पार्टिकल माना है, कहीं वेव नेचर देखा आपने, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन या कुछ भी, कुछ नहीं। चौथी बात, इट वायलेट्स हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सब क्वांटम फिजिक्स के सब बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट थे, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हीजनबर्ग क्या कह के गए थे पहले ये सुनो, तब समझ में आएगा कैसे उसको वायलेट। हीजनबर्ग ने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक समय पे करेक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, और ये एकदम ट्रू है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी भी माइक्रोस्कोपिक, सुन लो, लिखेंगे नहीं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियस और सही सही बताना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो तो आप उसका मोमेंटम गलत बताओगे, और अगर आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता रहे हो तो आप उसकी पोजीशन गलत बताओगे, और हो सकता हो दोनों को थोड़ा थोड़ा गलत बताओ, अनसर्टेनिटी होती है। बट बोहर ने क्या किया, बोहर ने क्या किया, बोहर ने पोजीशन भी बता दी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर से बताई कि नहीं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, और मोमेंटम भी बता दिया। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एम वी, एम तो पता ही, और वी की वैल्यू उन्होंने बताई जेड स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन। इन्होंने साइमल्टेनियसली पोजीशन भी बताई, मोमेंटम भी बताया, कैसे बताया, साइमल्टेनियस एक साथ दोनों बता रहे थे एक बार में, जो कि गलत है। ये कह रहे हैं कि एक साथ किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियस एक साथ और सही सही बताना इम्पॉसिबल है, और बोहर बता रहे हैं कि लो ये इसका रेडियस, ये इन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में है हाइड्रोजन की उसका रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2.18 × 10⁶, मास तो आपको पता ही है, तो मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम, तो आप साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजिशन, रेडियस मतलब क्या, पोजिशन ही तो बता, विच इज रॉन्ग। सो ये ड्रॉबैक्स रह गए बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल में। एक चीज और ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, नोट कर लें इसको, एक और ड्रॉबैक बताया मिटा लें,
ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइन डेविएट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बात ये नहीं समझा पाए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट मतलब मॉडल, कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस डेविएट हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, बट उसको ये नहीं समझा पाए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ये कई बार कॉम्पिटिशन में एक नंबर का आपको मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट ये नहीं समझा पाया, हो सकता है मैच द कॉलम में मिल जाए आपको, ये स्टार्क इफेक्ट जीमान इफेक्ट है ना, बोहर मॉडल ड्रॉबैक ऐसे लिखा हो एक तरफ तो मैच कराना हो, या स्टार्क इफेक्ट जीमान इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑल दीज वर दी ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल, ये समझ में आया ना, हाइजेनबर्ग सेंट्रिटी प्रिंसिपल, ये कह रहे थे एक साथ पोजिशन मोमेंटम गलत है, नहीं बता सकता कोई भी माइक्रो, ये बता रहे थे तो गलत है। दूसरी चीज वेव नेचर की बात नहीं की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं की, सिर्फ एच और एच लाइक एटम पे मॉडल वैलिड था, तो इस तरह के कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, बट एक बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू था। इसके बाद जो मॉडल ऑफ एटम आया वो आपके सिलेबस में इसमें नहीं है, केमिस्ट्री में था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसके बाद जो मॉडल आया वो इलेक्ट्रॉन को वेव मान के आया कि हाँ सही बात है, एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम बताना गलत है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है, वेव क्या है प्रोबेबिलिटी, मैटर वेव, कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके अंदर आप पढ़ते हो SPDF, क्वांटम नंबर, चार नंबर से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलती है। खैर आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसका ही फॉर्मूला। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।